हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में पार्टी को राज्य में अगले साल खाली हो रही राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवारों को जिताने में मदद मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि विधायकों की संख्या बढ़ने से राज्यसभा चुनाव में पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में कांग्रेस स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ने की अपेक्षा कर रही है और उसका ये प्रभाव उच्च सदन में भी बढ़ेगा। नमस्ते, मैं रमन हूँ और आप हैं मंच पर। कर्नाटक में अगले साल राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो रही हैं। इन 4 सीटों में 3 सीटों से कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, जीजी चंद्रशेखर और एल हनुमंथैया राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं 4थी सीट से बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा के इन 4 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में पूरा हो जाएगा। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटें हासिल करके पार्टी ने अपने 3 सदस्यों की जीत पर लगभग मुहर लगा दी है। उधर इस साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 224 सीटों में से केवल 65 पर ही जीत हासिल कर पाई है। ऐसे में वो अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में केवल एक ही राज्यसभा सीट से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा पाएगी। दरअसल 224 सदस्य विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं। इनमें से फिलहाल 6 सीट बीजेपी के पास हैं, जबकि अन्य 6 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट जेडीएस के पास है और उससे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास 5 राज्यसभा सीटों में से 1 सीट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। एचडी देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के इरन्ना कदली और नारायण कोरागप्पा का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। वहीं बीजेपी के पास जो 6 सीटें हैं उन्हीं में से 1 सीट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी राज्यसभा की सदस्य हैं और निर्मला सीतारमण समेत 4 अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2028 में खत्म होगा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3 राज्यसभा सीटें हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 2024 में पूरा हो रहा। यहाँ से कांग्रेस के 40 विधानसभा सदस्य हैं, जबकि बीजेपी के 21 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में अगले साल सदस्यता जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल से ही फिर से राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर संकट गहरा सकता है, क्योंकि विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना आसान होगा। वहीं राज्यसभा में इस समय बीजेपी 92 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद कांग्रेस 31 और तृणमूल कांग्रेस 13 का नंबर आता है, जबकि डीएमके और आम आदमी पार्टी के 10-10 सदस्य हैं। वहीं बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के 9-9 सदस्य हैं। इसी तरह टीआरएस के पास 7 और आरजेडी के पास 6 सदस्य हैं। ऐसे में अप्रैल 2024 में पार्टी हिमाचल और कर्नाटक से अपनी 1-1 सीट बढ़ाएगी और जून 2026 तक उसे दोनों राज्यों से 2 और सीटों का फायदा होगा। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।